Good morning, guys. Welcome back to my channel once again. So today we will be doing advertising appeal. That is your chapter number 11. तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा फर्स्ट पेड चैप्टर है जो तुम्हें पूरा पूरा पेड मिलेगा, बिकॉज चैप्टर 10 में तुम्हें सिर्फ सेकेंड पार्ट तुम्हारा पेड था, बट पार्ट 1 आई हैड कवर्ड फॉर फ्री आई गेस। ठीक है, तो चैप्टर 11 इज द एक्चुअल सीरीज जहाँ पे मेरा पेड वर्जन शुरू हो रहा है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। व्हाट इज एडवर्टाइजिंग अपील एंड इस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट आता है? पेपर में अगर देखा जाए तो 3 सालों से तो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ओके, एंड दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट मिस। और ये चैप्टर समझना इसलिए जरूरी हो जाता है बिकॉज हर बार इस पे अलग तरीके का क्वेश्चन आता है, ओके। तो अगर तुम्हें बेसिक ही नहीं समझ में आएगा तो तुम आंसर नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं सबसे ज्यादा एग्जांपल्स देने वाली हूँ, ट्राई टू रिलेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन सी अपील कौन से प्रोडक्ट में यूज हो रही है, ओके। नाउ द टॉपिक्स वी विल बी कवरिंग विल ऑब्वियसली बी एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है, एडवर्टाइजिंग अपील का क्या मतलब होता है, ये चैप्टर एक्चुअली है किसके बारे में, डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील, ये पूरा बेस फॉर्म करेगा फॉर द होल चैप्टर, बिकॉज ये ही चैप्टर है कि कौन कौन से तरीके की एडवर्टाइजिंग अपील्स होती है। नाउ सबसे पहले समझ लेते हैं एडवर्टाइजिंग अपील। अपील देखो ये ना बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल डिसीजन होता है, एंड व्हाट डू यू थिंक ये कौन सा डिपार्टमेंट लेता है? इट इज द काइंड ऑफ क्रिएटिव स्ट्रैटेजी, ओके। तो इसमें क्या होता है, जो एजेंसी होती है या तुम्हारा इन हाउस है, जो भी तुम कर रहे हो, वो डिसाइड करता है कि हमें अपने कैंपेन के लिए कौन सी अपील चूज करनी है, ओके। सो द फर्स्ट रीजन, फर्स्ट थिंग जो तुम्हें आइडेंटिफाई करनी है, दैट विल बी कि यार लोग मेरा सर्विस या मेरा प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहते हैं, एंड उसके ऊपर फिर मैं अपनी एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन या एडवर्टाइजिंग अपील को डिसाइड करती हूँ, ओके। तो जब भी हमें एक प्रोडक्ट का अपील देखना होगा, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि लोग मेरा प्रोडक्ट क्यों खरीद रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लेट से मैं बेच रही हूँ हॉर्लिक्स। अब लोग मेरा प्रोडक्ट क्यों खरीद रहे हैं? कुछ लोग टेस्ट के लिए खरीद रहे होंगे, राइट? तो मैं एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन चला सकती हूँ जहाँ पे चॉकलेटी मिल्क, ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट टू आइडेंटिफाई द टेस्ट, आई वॉन्ट टू हाईलाइट ऑन द टेस्ट। अब लेट से मेरा प्रोडक्ट है कोई दवाई, ओके, तो दवाई का जो मैं लोगों को एनर्जी देती है, तो मैं अपना कैंपेन किसके अराउंड चला सकती हूँ, कुछ एनर्जेटिक दिखा सकती हूँ। अगर तुमने रणवीर सिंह और अनिल कपूर का वो एनर्जी टैबलेट्स वाला एड देखा हो तो एनर्जी दिखाते हैं उसमें। सो द अपील इज अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट और द सर्विसेज दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू द कस्टमर। सो सबसे पहले एक एडवर्टाइजर का ये काम होता है कि वो एक बाइंग मोटिव देके, बाय द हेल्प पीपल वॉन्ट टू बाय द प्रोडक्ट, और क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है मेरा प्रोडक्ट लोगों को, ओके। सो ऑब्वियसली अब मेरा काम क्या है एडवर्टाइजर होने के साथ, आई हैव टू इन्फ्लुएंस पीपल कि यार तुम मेरा प्रोडक्ट खरीदो, मेरा प्रोडक्ट ट्राई करो, यूज इट एज अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, ओके। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आया कि ये एक अलग चैप्टर क्यों बनाया गया है। सो अपील इज वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर तुम देखो अपील का जो यू नो डेफिनेशन होगा, जो मीनिंग होगा, इट्स द मैसेज कन्वे करना, लोगों को मैसेज कन्वे करना, इन्फ्लुएंस करना लोगों को कि तुम मेरा प्रोडक्ट खरीदो, ओके। अब देखो जैसे ये जॉनसन्स बेबी है, अब बेबी प्रोडक्ट्स है, तो इसमें कौन सी अपील यूज होगी? मदरली, लविंग अपील, पॉजिटिव इमोशनल अपील, जहाँ पे मैं एक माँ का प्यार दिखा सकती हूँ कि यार तुम्हें ना अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए, यूज बेस्ट प्रोडक्ट्स, यूज बेस्ट बेबी प्रोडक्ट्स। सो आई एम यूजिंग द इमोशंस ऑफ मदर एज माई अपील, एज द इमोशनल अपील टू सेल माई प्रोडक्ट, ओके। आई होप इससे तुम्हें यू नो मतलब क्लियर हो गया होगा अपील का।
सो इसमें देखो प्रोडक्ट क्या है, बेबी प्रोडक्ट है ओके. एंड व्हाट काइंड ऑफ अपील आई एम यूजिंग, आई एम यूजिंग द इमोशनल अपील एंड माय टारगेट ऑडियंस आर मदर्स जो मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे. नाउ अब समझते हैं एडवर्टाइजिंग अपील आखिर होता क्या है. सो एडवर्टाइजिंग अपील रेफर्स टू द अप्रोच, एक तरीके की अप्रोच है जो एक ऑब्वियसली एडवर्टाइजर यूज करेगा. अब हम एडवर्टाइजर के पास क्यों गए थे, लोगों का अटेंशन खींचने के लिए राइट, जिससे वो मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाए एंड हम उन्हें इन्फ्लुएंस करें कि तुम मेरा प्रोडक्ट खरीदो. अब ये फीलिंग्स डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग हो सकती है. कुछ एडवर्टाइजर चाहते हैं कि उनकी ब्रांड ब्रांड इमेज अच्छी हो जाए, कुछ टार्निश्ड इमेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कुछ सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, कुछ इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं. तो दीज कुड बी डिफरेंट फीलिंग्स ओके. नाउ इफ यू सी दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ये किसका एडवर्टाइजमेंट है, जिलेट ब्लेड्स का. बट तुम यहाँ पे देखो एक पर्सनल अपील डाला हुआ है, एक फादर ने अपने बच्चे को ऐसे शोल्डर पे कैरी किया हुआ है ठीक है. तो देखो प्रोडक्ट क्या था, जिलेट रेजर. अपील कौन सी यूज करी है, पर्सनल अपील. इसमें पता है क्यों पर्सनल अपील यूज करी है, कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इज वेरी नेसेसरी फॉर योर बेबीज एंड जो तुम्हारा रेजर है वो स्मूथ फिनिश देगा. अब देखो इससे क्या होगा, तुमने एक फादरली टच डाल दिया अपने प्रोडक्ट में, एक पर्सनल टच डाल दिया अपने एडवर्टाइजमेंट में. तो इससे सारे फादर्स क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे दैट वी शुड यूज अ जिलेट रेजर एंड सी हाउ अट्रैक्टिव द एडवर्टाइजमेंट लुक ओके. तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं लोगों का बिहेवियर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हूँ कि यार जब भी तुम एक रेजर खरीदने का सोचो जस्ट थिंक अबाउट द जिलेट रेजर ओके. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द एडवर्टाइजिंग अपील, आई होप अभी तक समझ में आ रहा है कि अपील एक्चुअली होता क्या है. नाउ व्हाट आर द फीचर्स, सबसे पहले इट रेफर्स टू द अप्रोच यूज टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द कंज्यूमर. अब तुम बोलोगे यार मैम आपने ये बता दिया, पर्सनल अपील बता दिया ठीक है, मदरली इमोशनल अपील बता दिया, ये सब क्यों कर रहे हैं. एट द एंड ऑफ द डे मैं कंपनी हूँ और मैं एडवर्टाइजर हूँ, मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे तरफ अट्रैक्ट हुए और मेरा प्रोडक्ट खरीदे. नाउ आई नीड टू इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर फीलिंग्स. अगर तुमने कभी एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ एक टच अट्रैक्टेड फील किया है, तो कभी कभी ना एक रिलेशन बन जाता है प्रोडक्ट से. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू कैडबरी ओके. कैडबरी के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसमें ना दिवाली के टाइम पे देखना इतने ज्यादा इमोशनल एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, इतने रिलेटेबल एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, इतना अच्छा अपील वो यूज कर लेते हैं कुछ मीठा हो जाए ओके. तो जब भी मैं गिफ्ट पैक खरीदने जाती हूँ एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होती है मुझे प्रोडक्ट के साथ और मैं कहती हूँ लेट्स बाय कैडबरी प्रोडक्ट्स फॉर माई गेस्ट ओके. नाउ इट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर. पता है कभी कभी क्या होता है, लेट्स से मैं आज तक अपने रिश्तेदारों को फ्रूट कैन गिफ्ट करती हुई आ रही थी बिकॉज मुझे अभी तक वो अच्छा लग रहा था, बट कैडबरी ने मेरा दिमाग ऐसा घुमाया कि मैं आज से फ्रूट कैन नहीं, मैं बल्कि आज से चॉकलेट्स और कैडबरी गिफ्ट देना शुरू कर. तो उसने मेरे बिहेवियर को चेंज किया ओके. इट मोटिवेटेड मी टू बाय द प्रोडक्ट एंड ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क. जब तुम एक एडवर्टाइजमेंट, एक कैंपेन की अपील डिसाइड करते हो दैट्स द टफेस्ट डिसीजन एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिएटिव पीपल इन एजेंसी. अगर तुम्हें एक एजेंसी का स्ट्रक्चर पता होगा, ये चैप्टर नंबर 13 आई बिलीव, जहाँ पे हम एजेंसी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसमें एक डिपार्टमेंट होता है क्रिएटिव डिपार्टमेंट. तो ये जो अपील होती है ये उसका डिसीजन होता है कि हमें अपने कैंपेन के लिए कौन सी अपील चाहिए ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ अपील ठीक है. हम इसमें अलग 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 अपील्स डिसाइड करेंगे. देखो अब मैं बता देती हूँ पहले चैप्टर आगे बढ़ाने से पहले कि क्वेश्चन में
आते पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। हो सकता है कि तुम्हें प्रोडक्ट दे दिया जाए, ठीक है, लेट्स से तुम्हें बर्गर, सोप या क्रीम्स या कोई लग्जरी प्रोडक्ट ऐसे दी जाए और तुमसे पूछे कि अपील कौन सा यूज होगा। ओके, दिस इज द टाइप नंबर 1 ऑफ द क्वेश्चन। टाइप नंबर 2, वो तुम्हें डायरेक्टली बोल सकते हैं कि शॉर्ट नोट लिखो ऑन दीज 3 काइंड ऑफ अपील्स। ओके, कैटेगरी 3 कुड बी, वो तुम्हें 4 अपील्स का नाम दे दे, दे विल से एक्सप्लेन विद द सूटेबल एग्जाम्पल। तो तुम्हें एक उसका मीनिंग बताना पड़ेगा, उसके फीचर्स बताने पड़ेंगे और उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक एग्जाम्पल के साथ। तो दीज कुड बी 3 डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच, जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे पेपर में। तो एक एक अपील को समझने का ट्राई करना, जितना अच्छा समझ में आए दैट्स द बेस्ट। अब आते हैं रैशनल अपील। रैशनल अपील क्या होता है? रैशनल अपील इफेक्टिवली मेक्स समथिंग मेक सेंस और सीम ऑब्वियस इन सच अ वे दैट इट रियली कान बी आर्ग्यूड। देखो, रैशनल अपील क्या होता है, तुम्हारे थिंकिंग प्रोसेस को डायरेक्ट करता है। ओके, तुम ए वो ऐसी ऑब्वियस चीजें बताएगा कि तुम उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। ओके, तो ये मेनली तुम्हारे सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। अब रैशनल अपील में ना हम लोगों को उनके बेनिफिट बताते हैं। सर, यू आर यूजिंग दिस प्रोडक्ट, अभी तक आप वीनस यूज करते आ रहे थे, यूज जिलेट, जिलेट हैज अ ग्रेट परफॉर्मेंस, इट हैज ग्रेट कंफर्ट, इट इज मोर कन्वीनियंट, इट इज मोर चीपर, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बेनिफिट बता रही हूँ, जैसे क्वालिटी हो गई, चीपनेस हो गई, परफॉर्मेंस हो गया, उसका हेल्थ हो गया, उसका एफिशिएंसी हो गई, इसकी ड्यूरेबिलिटी हो गई, ठीक है। तो मैं प्रोडक्ट्स के बेनिफिट बता रही हूँ जिससे मैं लोगों को प्रोडक्ट बेचने का ट्राई कर पाऊँ। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से केंट आरो है, ठीक है। अब केंट आरो ना, हमेशा तुम्हें एक ध्यान रखना बात, वो तुम्हें बोलेगा प्योर वाटर के बारे में। तो एज अ कंज्यूमर, एज अ रैशनल पर्सन, तुमने कभी वो पढ़ी है इकोनॉमिक्स में रैशनल पर्सन की डेफिनेशन, उसी तरह, ठीक है। तो एज अ रैशनल पर्सन, मैं हमेशा अपनी फैमिली के लिए बेस्ट चाहूंगी, मैं हमेशा चाहूंगी कि मैं प्योर वाटर पीऊँ, राइट। तो आरओ विल ऑलवेज हाईलाइट द प्योरिटी ऑफ द वाटर। ओके, लेट्स से डेटॉल। अब इसमें तुम्हारा, अगर तुमने वो देखा हो, मम्मी क्या होती है, बच्चा भाग रहा होता है इस एडवर्टाइजमेंट में और पीछे पीछे मम्मी आती है, ओ माई गॉड जर्म्स लग गए, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। तो एज अ मदर आई एम वेरी केयरिंग, एज अ रैशनल कंज्यूमर आई एम वेरी केयरिंग, एंड मैं हमेशा चाहूंगी कि मैं हमेशा जर्म से प्रोटेक्टेड रहूँ। तो इसकी हेड देखो, बी 100% श्योर। ओके, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अपील जहाँ पे मैंने अपने प्रोडक्ट्स के बेनिफिट बताए। इसके और एग्जाम्पल दू, पेप्सोडेंट। पेप्सोडेंट हमेशा कहते हैं कि मैं तुम्हें जर्म से बचाता हूँ। ओके, सो प्रोटेक्शन फ्रॉम दी जर्म्स एंड कैविटीज, दैट इज दी बेनिफिट ऑफ यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एंड वही मैं अपील यूज कर रही हूँ टू सेल माई प्रोडक्ट। इसके और एग्जाम्पल्स बताओ। हम कभी कभी चीपनेस बताते हैं, सर्फ एक्सेल 10 रुपये सस्ता हुआ, या मैकडी सिर्फ 25 रुपये में। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं एक अपील यूज करती हूँ, मैं लोगों का परचेज डिसीजन इन्फ्लुएंस करती हूँ उसके बेनिफिट्स बता के, राइट। तो यहाँ पे बहुत कंपैरिजन होता है बिकॉज अब आरओ का एक ही ब्रांड नहीं है, बहुत सारे ब्रांड है, स्वच्छता के या क्लिनिनेस के डेटॉल ही नहीं है, बहुत सारे हैं, लाइफबॉल, आई डोंट नो कितने सारे हैं, राइट। नाउ लेट्स कम ऑन टू द इमोशनल अपील। इमोशनल अपील क्या होता है? इमोशनल अपील का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टू मेक द कंज्यूमर फील इमोशनल टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब ये इमोशन नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, तो मैं क्या कर रही हूँ, एक मैं लोगों में एक इमोशन पैदा कर रही हूँ रिगार्डिंग माय प्रोडक्ट, फॉर माय प्रोडक्ट। अब इसकी तो मेनली मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स पे कर रही हूँ, राइट।
लेट्स से कैडबरी कुछ मीठा हो जाए, सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ वेरी इमोशनल एंड वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ अ इमोशन दैट इट डेवलप्स. ओके, तुमने वो देखे नंबर वन यारी है, ठीक है, वो वाला जो एडवर्टाइजमेंट था दैट हैड वेरी इमोशनल अपील, दैट हैड वेरी पॉजिटिव अपील टूवर्ड्स योर फ्रेंड्स. ओके, सो इसके ना अलग अलग वो होते हैं, कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. एडवांटेजेस ये बिकॉज लोग एक बिलोंगिंगनेस फील करते हैं, एक अट्रैक्टिव रहते हैं, लोगों को याद रहता है, बट कभी कभी लोग गलत इंटरप्रेट कर ले तो वो तुम्हारे ऊपर आ जाता है, ठीक है. तो इट हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स. ओके, नाउ इट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट ऑफ ऑल इज पॉजिटिव इमोशनल अपील. पॉजिटिव जहाँ पे मैं हंसी, यू नो, इट कैन बी ह्यूमरस, इट कैन बी योर लव, इट कैन बी योर जॉयफुल, इट कैन बी योर प्राइड. सो आई एम यूजिंग वेरी पॉजिटिव इमोशंस इन माई एडवर्टाइजमेंट. समटाइम्स इट इज नेगेटिव. नेगेटिव कब होता है? जब मैं लोगों को डराती हूँ, राइट, अगर तुम ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, गिल्ट पैदा करती हूँ, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ वेरी नेगेटिव इमोशंस. तो अभी हम दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं, बट ब्रॉड कैटेगरी क्या है? इमोशनल अपील. ओके, नाउ पॉजिटिव इमोशनल. पॉजिटिव इमोशन में क्या क्या आता है? तुम सोचो तुम कब खुश होते हो या तुम्हारे अंदर एक यू नो स्माइल पैदा कर दे ऐसा एडवर्टाइजमेंट. कौन कौन सा एडवर्टाइजमेंट याद आ रहे हैं? मुझे तो याद आ रहा है मान्यवर का, तैयार होकर आइए, ठीक है, और वो वाला यू में जेम्स का एड, या तुमने वो वाला देखे जिसमें एक बंदा ऐसे बच्चा होता है, वो दीवार, मुझे प्रोडक्ट का नाम याद नहीं आ रहा, बट आई रिमेम्बर द एडवर्टाइजमेंट जहाँ पे वो गलती से कह देता है मटन चिकन, ठीक है, जबकि वो वेज फैमिली होती है ना, वो अपने पंजाबी फ्रेंड के घर खा के आता है चिकन, ठीक है. आई गेस वो कोई मसाले का ऐड था. एंड रोज खाओ अंडे, दैट वाज आल्सो एन ऐड, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे. सो दीज आर काइंड ऑफ पॉजिटिव इमोशनल अपील्स. ह्यूमरस, राइट, लविंग, वैलेंटाइन पे सिल्क के ऐड देखे होंगे तुमने, प्राइड एंड ऑफ कोर्स द जॉय. सो पॉजिटिव इमोशन में ये सब बेस्ट आता है. अब मैं बताती हूँ ये यूज कहाँ करनी है ये अपील. याद ध्यान से सुनो, ये अपील जब यूज होगी जब कोई तुम्हारा फीलिंग ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स होंगे या लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल योर चॉकलेट्स. ओके, तो चॉकलेट्स में क्या है? चॉकलेट्स में हम थोड़ा स्पेशल ओकेजन पे ये एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं. सिल्क चॉकलेट, हाउ फार कैन यू गो फॉर द लव. वैलेंटाइन पे ये ज्यादा दिखाई जाता है, राइट. योर माँ का एक्सपर्ट पार्टनर, दैट इज मदर्स लव अपील. ओके, तो यहाँ पे माँ का प्यार दिखाया जाता है, दैट इज लव. लव कैन बी टुवर्ड्स एनी वन, योर बेबी, योर पार्टनर. ओके, एंड सी तुमने ये देखे फ्यू मोमेंट्स मैटर, नेस्कैफे गोल्ड का एड, राइट, जहाँ पे दे शो कि कैसे सिर्फ कुछ लोग हमसे कनेक्टेड रहते हैं. सो दैट्स अ रीयूनियन काइंड ऑफ थिंग दे हैड क्रिएटेड इन देयर एड. सो दैट्स अ काइंड ऑफ एन इमोशनल अपील, पॉजिटिव इमोशनल अपील. तो तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा कि तुम्हें ये सब कहाँ यूज करना है. सो यू कैन यूज इट इन योर बेबी प्रोडक्ट्स, यू कैन शो इट इन योर लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स. ओके, ह्यूमरस अपील. ह्यूमर अपील इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग अपील, इज द बेस्ट अपील दैट वन कैन यूज फॉर देयर एडवर्टाइजमेंट, बिकॉज दिस काइंड ऑफ अपील इज एक्चुअली रजिस्टर्ड इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर. मुझे 100 एडवर्टाइजमेंट में से सिर्फ 2-3 एडवर्टाइजमेंट याद होंगे जस्ट बिकॉज उनकी ह्यूमरस अपील थी. लेट्स से 5 स्टार, कुछ ना करके भी देखो, ठीक है. तो उनका जो अपील है वो मुझे बहुत पसंद है. जेम्स, दैट्स ऑल्सो माई वन ऑफ फेवरेट. सेंटर फ्रूट का जुबान पे लगा दे लगा. सो अभी तक मुझे वो याद है, चाहे मैंने वो कितने सालों पहले देखे होंगे. तो ह्यूमर अपील इज द मोस्ट कॉमन, इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग अपील, एंड इट क्रिएट्स गुड मूड. तुम नहीं भी देख रहे होंगे टीवी, तुम एकदम से तुम्हारा ध्यान जाएगा, राइट. इट इम्प्रूव द मेमोरी ऑफ द ब्रांड नेम. एज आई जस्ट सेड कि मेंटोस
दिमाग की बत्ती जला दे। मैंने कितने सालों से नहीं देखा वर्ड, बट मुझे याद है। ओके, अट्रैक्ट्स द मोस्ट अटेंशन, इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग स्टोरी लाइन होनी चाहिए, जिंगल्स अच्छे होने चाहिए, सिटायर होना चाहिए, जब ही लोगों को ये सब चीजें याद रहती है। सी, मुझे इन दोनों का नाम नहीं पता होगा, बट या आई रिमेम्बर, ये 5 स्टार का एड है। जेम्स, ये किसका है? सेंटर फ्रूट पे, जब वो पूरा मेन्यू डिक्टेट करता है, ऑडिशंस के लिए आता है, ठीक है। मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे। फेविकॉल, देखे ऐसा जोड़ लगाए, अच्छे से अच्छा ना तोड़ पाए, ठीक है। सो दैट्स अ काइंड ऑफ एन अपील जो बहुत ही ज्यादा ह्यूमरस होती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। नाउ नेगेटिव इमोशनल अपील, नेगेटिव इमोशनल अपील कहाँ यूज हो सकती है? जहां पे तुम्हें लोगों को एक डर पैदा करना हो, रिस्पॉन्स लाना हो, ठीक है, शेम पैदा करनी हो उनके अंदर। वो तुमसे ऐसी चीजें करवाना चाह रहा है जो तुम अभी तक नहीं करते हुए आ रहे हो, या वो तुम कर रहे हो और वो गलत हो, तुम्हें वो रोकना चाहता है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, इट कैन गेट पीपल टू डू थिंग्स दे शुड डू। ब्रश योर टीथ रेगुलरली वरना जर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही, और स्टॉप डूइंग थिंग्स दे शुड नॉट, क्विट स्मोकिंग। सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ नेगेटिव अपील, बट यू शुड ऑलवेज टेक केयर कि ये अपील बहुत ध्यान से यूज होनी चाहिए, बहुत केयर के साथ यूज होनी चाहिए, बिकॉज अगर नहीं हुई तो तुम्हारा मैसेज लोगों तक नहीं पहुंचेगा। ओके, सॉरी, ये वीडियो बहुत लंबी जाने वाली है, ब्रेक्स में देखना, मैं एक ही वीडियो में ट्राई करूंगी कि पूरा चैप्टर कवर कर दूं। ओके, नाउ सी, दिस इज द एडवर्टाइजमेंट ऑफ BMW। BMW ने इतना अच्छा ये निकाला था, बैनर और पोस्टर, वॉट एवर यू से, बट इट हैड सच अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, एंड इट हैड अ नेगेटिव अपील दैट इफ यू ड्रिंक एंड ड्राइव दिस कुड बी योर सिचुएशन। ओके, लाइट बॉल, लिजॉल में ये वाला मैंने क्यों किया कि यहाँ पे ना ऐसे डराते हैं कि बच्चा एकदम ऐसे खेल रहा है, ठीक है, बच्चा खेल रहा है और एकदम से कुछ हो जाता है, फियर आ जाता है, ओ माय गॉड मेरा बच्चा बीमार हो गया, या ठीक है। अब देखो, इसमें भी मदरली नेचर यूज किया जा सकता था, ठीक है, बट इन्होंने एक नेगेटिव दी कि मेरा बच्चा ये जॉन्ग टच, ठीक है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ अपील यू आर यूजिंग फॉर द प्रोडक्ट। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पे क्या होता है, देखो डिजॉल्व में क्या होता है, अगर तुम अपना फ्लोर डिसइंफेक्ट नहीं करोगे तो वो गलत था, बेबी क्रॉल कर रहा है और उसने इन्फेक्शन जर्म्स आ गए, ठीक है। गिल्ट होता है कि यार काश मैं वो यूज कर लेती और काश मैं जर्म्स मार देती, तो दैट्स अ काइंड ऑफ अ गिल्ट दे वॉन्ट टू शो कि तुमने क्यों नहीं यूज किया। बट यहाँ पे देखो, जो तुम्हारा पोलियो ड्रॉप्स है, इसमें अमिताभ बच्चन जी हु इज एम्बेसडर ऑफ दिस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट, एंड यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव अपील किस वे में यूज किया था कि इफ यू डोंट गिव योर बेबी 2 ड्रॉप्स ऑफ पोलियो, इट कैन एक्चुअली बी वेरी डेंजरस फॉर योर किड, सो मेक श्योर कि तुम अपने बच्चों को 2 बूंद पोलियो ऐसे दो, ठीक है। एंड कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन ने बहुत सारे कैंपेन्स चलाए थे फॉर क्विटिंग स्मोकिंग, तो आई क्विट करके उनका एक हैशटैग बहुत फेमस हुआ था, जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने पार्टिसिपेट किया था। सो दैट्स हाउ यू यूज द नेगेटिव अपील। ओके, नाउ द मॉरल अपील। मॉरल अपील, देखो जहाँ पे मॉरल्स की बात आ जाती है, हम बोलने लग जाते हैं क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। यहाँ पे सोशल कॉज की बात आ जाती है, सच एज सोशल कुछ भी हो सकता है, अपना देश का ध्यान रखो, ठीक है, क्लीन एनवायरनमेंट रखो, एडल्ट लिटरेसी, इक्वल राइट्स फॉर विमेन। ओके, सो सपोर्ट सोशल कॉज, क्लीन एनवायरनमेंट, एडल्ट लिटरेसी, इक्वल राइट्स फॉर विमेन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सर्व शिक्षा अभियान। दिस वॉज अ कैंपेन जो गवर्नमेंट ने चलाया था, बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, बस उसके पीछे कहाँ कहाँ तुम्हें ये एडवर्टाइजमेंट्स दिखे थे जो गवर्नमेंट ने चलाए थे, ठीक है, दैट हैज अ काइंड ऑफ अ मोरल अपील।
जागो ग्राहक जागो, ओ माय गॉड, जब ये आया था टीवी पे इतने ज्यादा एडवर्टाइजमेंट इसी से रिलेटेड थे, रिस्पेक्ट फॉर द वुमेन, दिस वाज द हेवल्स एडवर्टाइजमेंट, ये बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट है, यू शुड डेफिनेटली वॉच इट, ओके। एंड दिस इज हाउ द मोरल अपील हैज बीन यूज्ड। आजकल की ब्रांड्स बहुत यूज कर रहे हैं, व्हाई? बिकॉज दे वांट टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल, दैट यस हम अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, प्रॉफिट्स बना रहे हैं, बट हम जनता का भी ध्यान रख रहे हैं, सेव द गर्ल चाइल्ड। अगेन गवर्नमेंट ने बहुत चलाया था, ओके। नाउ द सेक्स अपील, ओके, सेक्स अपील इज अ काइंड ऑफ अ अपील जहाँ पे मैं सेक्स और न्यूडिटी का शो करती हूँ, ठीक है। आई यूज दिस पर्टिकुलर अपील लॉन्जरीज प्रोडक्ट में, कॉन्डम्स के एडवर्टाइजमेंट में, यू मस्ट हैव सीन्स। एंड आजकल तो आई डोंट नो व्हाई, बट डिओड्रेंट आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ अपील ऑन अ वेरी नॉर्मल बेसिस, बट मुझे नहीं समझ में आता ये क्यों यूज किया जाता है स्पेशली डिओड्रेंट्स में, ठीक है। लॉन्जरीज एंड कॉन्डम्स में अगर तुम सेक्स अपील यूज कर रहे हो, काइंड ऑफ मेक सेंस, बट नॉट इन द सॉर्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डिओड्रेंट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ नहीं होता एज यूजुअल, यू नो, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑडियंस के दिमाग में डाली जाती है, क्यूरियोसिटी पैदा कर रही जाती है, सेंसुअलिटी रेज की जाती है, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये अपील यूज की जाती है, ओके। सो आजकल के एडवर्टाइजर्स क्या कर रहे हैं, लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए सेक्स अपील यूज की जाती है, ओके। अगर तुम कॉन्डम्स या अंडरगार्मेंट्स के लिए यूज करो, एज आई मेंशन, जस्टिफाइड है, बट एडवर्टाइजर्स अलग ही दुनिया में है आजकल, वो कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, डिओड्रेंट्स, इन सब के लिए सेक्स अपील को यूज कर रहे हैं, ओके। बट जहां भी जरूरत नहीं होती, यू शुड नॉट यूज इट, ठीक है। तुम पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में एक सेक्स अपील डाल के क्या करोगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा, ओके। सो अगर तुम लॉन्ड्रीज लेट्स से सी के यूज कर रहे हैं, मेक सेंस, बट अगर ये एक्स यूज कर रहे हैं, डजंट मेक सेंस। सी अगेन नीविया पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, एक मेरा लोशन है, व्हाई द हेल आर यू यूजिंग दिस, यू नो, न्यूडिटी अगेन, व्हाई? आई विल टेल यू द आंसर, बिकॉज ये अपील बहुत ज्यादा लोगों का अटेंशन ग्रैब करती है, इट इज द इजिएस्ट वे कि हम टारगेट ऑडियंस का, यू नो, अटेंशन ग्रैब कर पाए। मेन कैन ऑब्वियसली रिमेम्बर सच इलस्ट्रेशन, सेक्सी इलस्ट्रेशन, फीलिंग्स, एंड दे कैन इजिली रिलेट टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ऐसे रिसर्च शो करती है, एंड दे आर टूवर्ड्स, यू नो, फेवरेबली इंक्लाइंड टूवर्ड्स सच काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ऑब्वियसली अगर मैं एक आई विल से एनी मैन और आई विल से एनी गाय, आई विल शो दी सेक्सी आर, दे विल डेफिनेटली रिमेंबर दैन इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग अ रैशनल अपील एड, ओके। सो इनअप्रोप्रिएट सेक्स अपील्स शुड नॉट बी यूज बाई एडवर्टाइजर्स, ये थोड़ा उनके पार्ट पे चीप टैक्टिक्स हो जाती है, ओके। तो यू शुड ऑलवेज, अगर पेपर में आते हैं व्हाट काइंड ऑफ अपील शुड बी यूज फॉर द लॉन्ड्रीज, अंडरगार्मेंट्स एंड कॉन्डम्स, देन यू विल से सेक्स अपील, एंड अगर डिओड्रेंट्स आते हैं तो इट शुड बी यूज एज रैशनल अपील, बट आजकल नहीं की जाती, यू विल जस्टिफाई योर स्टेटमेंट टू, ओके। इसमें पता है एक डिसएडवांटेज होता है, इफ यू आर यूजिंग लेट्स से सेक्स अपील, तो डिफरेंट कंट्री विल रिस्पॉन्ड टू इट डिफरेंटली, रीजन टू रीजन डिपेंड करता है, टाइम टू टाइम डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इंडिया में सेक्स अपील इज नॉट दैट कॉमन एज यूएसए, ठीक है। सो यू नीड टू मेंशन ऑल दीज पॉइंट। नाउ द प्राइस अपील, व्हाट यू थिंक प्राइस अपील इज? प्राइस अपील सिंपल येट पावरफुल, जहां पे हम लोगों को प्राइस बताते हैं, अभी लोगों को साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल दोनों वे में अट्रैक्ट करती है, सबसे सस्ता 6 दिन, एंड जहां पे हम प्राइस के साथ लोगों को अटेंशन ग्राब करते हैं। नाउ दीज आर नॉट वेरी कॉमन, वेरी, यू नो, इम्पॉर्टेंट अपील्स, यू कैन जस्ट मिस दीज अपील्स
देयर इज नो इश्यू, बट आई वुड सजेस्ट कि एक बार नाम देख लो, जिससे बिकॉज नाम में ही सब कुछ होता है. ये जो अपील मैं डिस्कस करने वाली हूँ, यहाँ तक जितनी की है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट जो मैं आगे करने वाली हूँ दोज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यूथ अपील. व्हाट डू यू थिंक यूथ अपील इज? यूथ अपील जहाँ पे मैं लेट्स से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, आई मेक श्योर कि मैं अपने एडवर्टाइजमेंट में आलिया भट्ट को यूज करूँ, आलिया भट्ट को स्पॉन्सर करूँ. पेट्रियाटिक, पेट्रियाटिक अपील, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज. ओके, सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ पेट्रियोटिक अपील दैट आई एम यूजिंग. इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट्स में क्या होता है, इंडोर्समेंट्स में सेलिब्रिटीज, विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा फॉर मान्यवर, दीज आर इंडोर्समेंट. स्टैटिस्टिक्स, मैं फिगर्स दिखाती हूँ. ओके, ना 75,000 लोगों ने हमारा प्रोडक्ट यूज किया, क्या आप हमारा प्रोडक्ट यूज करेंगे? ठीक है. रोमांस, रोमांटिक अपील, वैलेंटाइन, मेक इट स्पेशल, प्रेगनेंसीज एंड वैलेंटाइन. ठीक है. एडवेंचरस, माउंटेन ड्यू की एड, आज कुछ तूफान नहीं करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई होप ये माउंटेन ड्यू का ही हो. ठीक है, अगर थम्स अप का है तो आई डोंट नो, बट या तूफान ही करते हैं. कार्ड्स में तुम्हें बहुत दिखेगा. म्यूजिक अपील, जहाँ पे मैं म्यूजिक यूज करती हूँ टू अट्रैक्ट, टू परसुएट दी कंज्यूमर्स. नाउ एज आई मेंशन थ्री कैटेगरीज ऑफ द क्वेश्चन, वैसे ही पेपर में क्वेश्चन आए थे, देख लो एक बार, स्निप ले लो. ठीक है, तीनों साल के मैंने क्वेश्चंस डाल दिए, तो एक बार स्निप ले लो, देख लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो अगर तुम ये क्वेश्चंस आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. ओके, सो दैट्स इट, फाइनली जो चैप्टर इज ओवर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. अगर तुमने अभी तक अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया मेरे चैनल के बारे में, एक व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर दो यार, उनका भी भला हो जाएगा. ठीक है, ओके गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड चैप्टर 12 भी मैं एक वीडियो में खत्म कर दूंगी, तो डोंट स्ट्रेस कि मेरा कितना सारा सिलेबस बचा है. कुछ नहीं बचा, बहुत प्यार से होगा. बस ये याद रखना कि लास्ट में जो 10 चैप्टर हो गए हैं उन्हें फ्लो चार्ट बना के डेली बेसिस पे तुम रिवाइज कर रहे हो, बस इतनी मेहरबानी कर लो, पक्का पेपर पास हो जाएगा तुम्हारा. ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप प्रिपेयरिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज. टेक केयर.